सोनभद्र के कलेक्ट्रेट परिसर में आज बीटीसी के छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। बीटीसी के छात्र और छात्राएं प्रैक्टिकल में प्राचार्य द्वारा धन वसूली और अन्य समस्याओं को लेकर डीएम से मिलने पहुंचे थे, लेकिन जब डीएम ने उन्हें नजरअंदाज किया तो छात्रों ने गेट को जाम कर दिया और डीएम की गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोके जाने से डीएम काफी नाराज हुए, हालांकि बाद में उन्होंने छात्राओं को प्रार्थना पत्र लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सोनभद्र के डेट में पढ़ने वाले बीटीसी के सैकड़ों छात्र और छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन जब जिलाधिकारी उन्हें नजरअंदाज कर जाने लगे तो धरने पर बैठे छात्र आक्रोशित हो गए और उन्होंने कलेक्ट्रेट के गेट को जाम कर दिया और डीएम साहब की गाड़ी को रोक दिया गया। छात्राओं का कहना है कि डीएम साहब का रवैया ठीक नहीं था। छात्राओं द्वारा आक्रोशित हो जाने से कलेक्ट्रेट का माहौल काफी देर तक गर्म रहा और अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। जिलाधिकारी ने उन्हें पहले रास्ते से हटने की बात कही, उसके बाद छात्रों का प्रार्थना पत्र डीएम ने लिया। जिलाधिकारी ने छात्रों की शिकायत पर जल्द ही सीडीओ से जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। डाइट में पढ़ने वाले बीटीसी के छात्र छात्राओं ने अपनी समस्याओं को लेकर कल भी डाइट में प्रदर्शन किया था, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो आज वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा उन्हें नजरअंदाज करने से काफी आक्रोशित हो गए। तुम लोग यहाँ आए थे, क्या हुआ या पूरी बात? यहाँ पर हम लोग आए थे अपनी मांगे पूरी करने के लिए। हम लोग को इंटर्नशिप के नाम पे भड़काया जा रहा है, मतलब भ्रष्टाचार के आरोप में हम लोग आए हैं यहाँ पे, पैसा लिया जा रहा है इंटर्नशिप के नाम पे, और प्रयोगात्मक में हम लोग को प्रैक्टिकल के नाम पे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है कि परीक्षा में हम लोग को नंबर कम कर देंगे, और हम लोग इसलिए आए हैं। और डीएम साहब के यहाँ न्याय मांगने आए हैं हम लोग, और डीएम साहब हम लोग को इग्नोर करते हुए चले जा रहे थे, अनदेखा करते हुए, और हम लोगों ने इसके बाद जाके गेट पे बैठ गए, गेट को जाम किए कि डीएम साहब हम लोग की मांगे पूरी करें, हम लोग की बातें डीएम साहब सुने। हम लोग अपना ज्ञापन देने आए थे, डीएम साहब ने हम लोग को इग्नोर कर रहे थे। फिर हम लोग वहाँ जब गेट जाम किए हैं, गेट जाम करने के बाद हम लोग की बातें थोड़ी बहुत सुनी गई हैं, लेकिन डीएम साहब का कोई आश्वासन नहीं दिया गया, अच्छा पूरी तरह से इग्नोर भी किया गया है। हम डीएम साहब से संतुष्ट भी नहीं है उनके आश्वासन से। आगे की कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग और भी आगे कदम उठाएंगे, जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। हम लोग का भविष्य भद्र में है, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग से जो हो सकेगा हम लोग वो सब करेंगे, हम लोग को जहाँ भी जाना पड़ेगा जाएंगे। बच्चे सर कल से ही हंगामा कर रहे हैं, डाइट में भी कर रहे थे, अच्छा अभी उन्होंने जो है गेट जाम कर दिया था, तो सर क्या इनकी मांग कैसी है? आज ये तथ्य संज्ञान में आया, कल तो मैं वहाँ मिर्जापुर में मंडलीय समीक्षा बैठक में गया हुआ था। अभी इन लोगों ने डाइट पचाड़िया के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए हैं, इसकी जाँच कराई जाएगी और जो भी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पैसा मांगने का आरोप लगा रहे हैं, प्रैक्टिकल पैसा लेते हैं और नंबर बढ़ाने के लिए लेते हैं, जी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, इसकी एडीएम साहब के थ्रू जांच कराई जाएगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा अगर सही पाया जाता है।